लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सुर्खियों पे एक नजर। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान। तो वहीं नीतीश सरकार पे विजय सिन्हा खूब बरसे, कहा बीजेपी ही गुंडाराज से दिलाएगी मुक्ति। तो वहीं नेताओं के ब्लड टेस्ट को लेकर सियासत, संजय जायसवाल बोले नहीं हो रहा काम तो हमें सौंप दे गद्दी। तो वहीं बीएसएससी पेपर लीक पर बोले जगदानंद सिंह, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, इस पे होगी कार्रवाई। बीएसएससी पेपर लीक मामले में एक की गिरफ्तारी, मोतिहारी से जुड़े थे तार। तो वहीं चिराग ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा पापा का सपना हुआ पूरा। तो वहीं तेजस्वी यादव के करीबी बिजली कर्मचारी की हत्या। वहीं बेतिया में जमीनी विवाद में गोलीबारी, 5 लोगों को लगा छर्रा। तो वहीं जहानाबाद में बदमाशों ने कार से उड़ाए 10 लाख रुपए। तो वहीं बिहार में बड़ा ठंड का सितम, पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश भी हुई। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में चिमनी ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि डीएम ने अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए 2-2 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दरअसल रामगढ़वा थाना क्षेत्र किया, जहां ईंट भट्टा में आग लगा, जिसके बाद चिमनी धमाके के साथ नीचे गिर गया, जिसके बाद दबकर 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं अब मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जहानाबाद में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोले। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, इस सरकार को नीतीश कुमार जनता का राज बता रहे हैं, जबकि आम जनता जान रही है कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। अब भाजपा बिहार के आम जनों को गुंडा राज से भी मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के साथ गठजोड़ लिया है। हालात यह है कि सदन में भी विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार को जवाब दिया संजय जायसवाल ने, कहा है कि नीतीश कुमार यदि हमारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवाएं, मैं इसके लिए तैयार हूं। वो शासन में हैं और इसके तहत पहले उन्हें करवाना चाहिए, नहीं तो फिर उनको अपनी गद्दी भाजपा को दे देनी चाहिए। हम लोग इसे शुरू करवा देंगे। वो सचमुच में बिहार के अंदर सुधार चाहते हैं तो सभी माननीय पुलिस अधिकारी आईएएस आईपीएस की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन जब यह सही मायने में हो। बिहार में बीएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस मामले पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे राष्ट्रव्यापी समस्या करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में ही पेपर आउट होता है, बिहार के बाहर भी ऐसा है। उन्होंने कहा कि बैंक और ट्रेजरी के माध्यम से यह सारे पेपर जमा किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी काम में लगे हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं नेताओं के ब्लड टेस्ट कराए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि आकर हमारा ब्लड टेस्ट करा लो, हमारे कार्यालय में जब चाहे आकर आप जांच करा ले। बीएसएससी पेपर लीक का तार मोतिहारी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईओयू की टीम ने मोतिहारी के एक निजी शिक्षक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसे पूछताछ के लिए पटना ले गई है। वहीं टीम ने कई लोगों से पूछताछ की, इसकी जानकारी मोतिहारी एसपी आशीष कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि बीएसएससी परीक्षा 2022 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसका तार मोतिहारी से जुड़ा होने का मामला सामने आया है। प्रश्न पत्र जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद ईओयू की टीम का एक्शन शुरू हो गया है। साथ ही ईओयू के कई ठिकानों पर छापेमारी कर एक निजी विद्यालय शिक्षक को गिरफ्तार कर पटना ले गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब दिसंबर 2023 तक गरीब परिवार को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके बाद अब चिराग पासवान ने केंद्र की सरकार मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस निर्णय को अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों से जोड़कर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की तारीफ की है। चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा के संस्थापक पद्मभूषण स्वर रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार किया, वो अंतिम सांस तक गरीबों के लिए चिंतित रहे थे।
बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पुलिस प्रशासन शराब तस्करों से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधी पुलिस की नींद उड़ा कर रखे हुए है। ताजा मामला हाजीपुर का है, जहां बेलगाम अपराधियों ने बिजली विभाग की कर्मचारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने सीने में 7 से 8 गोली बरसाई थी, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक डिप्टी सीएम के तेजस्वी यादव का करीबी था। बेतिया में जमीनी विवाद में फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी की घटना में 2 बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल है, इसमें 2 बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों का इलाज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में हो रहा है। पूरा मामला जिले के जगदीशपुर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत नकटी पटेरा गांव का है, जहां जमीनी विवाद में फायरिंग हुई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर SDPO मुकुल परिमल पांडे दल बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। जहानाबाद में उचक्कू ने एक कार से 10,22,000 रुपए उड़ा लिए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के 32 भावरिया के पास की है। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। दरअसल मखदुमपुर प्रखंड का पंचायत सेवक 10 लाख रुपए लेकर जमा करने बैंक जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने पंचायत सेवक को अपनी बातों में उलझा लिया। जब पंचायत सेवक मोबाइल को साफ करने लगा, इतने में उचक्का गाड़ी में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। देश के पहाड़ियों में हो रही बर्फबारी का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। बर्फीली हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पछुआ हवा ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान गया जिले का रहा। इधर पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई है। बेमौसम हुई इस बारिश से ठंड और बढ़ेगी। पटना मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम सभी शुष्क बना हुआ है और अगले 5 दिन तक मौसम के शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।